मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये यशवंतराव चव्हाण का डिग्री सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट दिखता कैसे है? तो आपको बता दूं मित्रों, ये आपके पास सैंपल कॉपी लेके आया हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। तो आप जब 3 साल पूरा कर लेते हैं बीए बीकॉम का, ये बीए के स्टूडेंट हैं, उनका है, सतारा के हैं, आपके 6 सब्जेक्ट का नाम रहता है, उसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो लिखे होते हैं, टोटल लिखा होता है और टोटल कितने में से कितना हुआ और कितना परसेंटेज है। मित्रों, यह आपको सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। नीचे देख रहे हैं बार कोड, ये आपका स्टेटमेंट नंबर है, मतलब मार्कशीट नंबर, किस दिन बनकर तैयार हुई वो है, और एक कंट्रोलर का साइन होता है। इसके नीचे देख रहे हो, हेडर एंड फुटर में कलरफुल इमेज रहती है, ये ओरिजिनल होने का संकेत है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ऊपर लिखा है यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, ये होलोग्राम लगा है, ये आपकी फ़ोटो होती है, और ये एग्जामिनेशन कब लिया गया था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का लोगो है, लेफ्ट में और राइट में होलोग्राम होता है जो चमकते रहता है। आपको बता दूं कि यह यूनिवर्सिटी YCM जो है, आज एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि यूनिवर्सिटी YCM यूनिवर्सिटी से करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं बता दूं, YCM यूनिवर्सिटी की सारी डिग्री बहुत वैलिड है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी एग्ज़ाम में, केवल आपके अंदर काबिलियत चाहिए। अब आपको नहीं आता है तो आप बड़े कॉलेज से भी करके कुछ नहीं कर सकते। रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कैनेडा से भी सर्टिफिकेट मिला है YCM को। तो ये तरह मार्कशीट का 3 साल का एक साथ सीट नंबर के साथ आपके रहता है, और इसी से कोई भी कंपनी जब आपका मार्कशीट लेती है ना, तो क्रॉस चेक करती है कि आप सही में डिग्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि झूठे में दे रहे हैं। ठीक है, चलो, ये है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट मित्रों, इसको प्रोविजनल भी आप कह सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा रहता है कि आपने सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न कितने में पास किया, कितने साल का कोर्स है, 3 साल का, कौन सा कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके नीचे एक और चीज़ लिखा रहता है कि द फाइनल डिग्री, ये फाइनल डिग्री नहीं है, जिसको हम कहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, ये नहीं है। उसके अलावा एक आता है, अगले वीडियो में बताऊँगा, द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड इन द फोर्थ कमिंग कन्वोकेशन, यूनिवर्सिटी का वार्षिक उत्सव, वार्षिक एक कन्वोकेशन होता है, उसमें मिलेगा। यह यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल है, कैसे दिख रहा है, कलर से दिख रहा है, यहाँ भी एक होलोग्राम देख रहे हैं आप, लोगो है, और ऊपर लिखा है एक्सीलेंस ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कैनेडा। तो मित्रों, आज मैंने आपको दो चीज़ दिखाई, इसके साथ एक चीज़ और दिखा दूँ मित्रों, यहाँ आपका एडमिशन फॉर्म है। क्या है ये एडमिशन फॉर्म? एप्लीकेशन नंबर, डेट दिया गया है, पेमेंट कैटेगरी जो भी है वो है, कोर्स का नाम दिया है TYBA G01, आपका PRN नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो PRN नंबर आप देख रहे हैं ना, ये आप ध्यान पूर्वक रखिए। और अगर नहीं रहता एप्लीकेशन, कभी कभी हॉल टिकट निकालने जाते हैं तो आपका PRN नंबर नहीं, तो एप्लीकेशन नंबर बहुत काम करता है, इससे भी निकल जाता है। ये बार कोड है, इसको भी दिखा करके बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, और आप डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ये सब दिया गया, आपकी पूरी एड्रेस होती है। और आपको बता दूँ, सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया ना, ये भी इसमें लिखा होता है, 3 6 जो भी सब्जेक्ट हैं सब लिखा होता है डिटेल, तो इस तरह से आप इसको जानकारी पूरा ले सकते हैं। तो मित्रों, ये 3 4 महीने जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना है, ऐसे और सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बाकी जानकारी मैं आपको जल्द ही दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।